राम मंदिर का मामला दशकों से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस मामले की सुनवाई नियमित रूप से 40 दिन तक चला, लेकिन 40वें और अंतिम दिन का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म रहा। हिंदू पक्ष के वकील ने सबूत के तौर पर राम मंदिर का एक नक्शा पेश किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने 5 टुकड़ों में फाड़ दिया था। लेकिन अब उनकी इस हरकत के लिए धवन की मुश्किलें बढ़ सकती है। राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े रामविलास वेदांती ने कहा कि राजीव धवन पर FIR दर्ज कराएंगे। वेदांती ने यह भी कहा कि रामलला के केस में फर्क ना पड़े, इसलिए अभी केस नहीं दर्ज करा रहा हूं, लेकिन फैसले के बाद राजीव धवन के खिलाफ FIR जरूर दर्ज होगा। इसके साथ ही हिंदू महासभा ने भी राजीव धवन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंच गया है। हिंदू महासभा के वकील ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर धवन द्वारा नक्शा फाड़ने की शिकायत की है। हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटना पहली बार हुई है और धवन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब राजीव धवन अपने इस करतूत से पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं। फिलहाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और कोर्ट को ही फैसला करना है कि राजीव धवन के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है, लेकिन धवन द्वारा राम मंदिर का नक्शा फाड़ने पर देश में बवाल जरूर मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।